समय आ चुका है, अगर किसान बलपूर्वक वहाँ से उठा दिया गया तो जिंदगी में तुम कोई आंदोलन नहीं कर सकोगे, फिर तो ये मान के चलो मुल्क के अंदर गुलामी आएगी और तानाशाही आएगी। ये एक तरीका थोड़ा है कि इसने बार बार ये तीन तीन बार इसने गोली कांड करवा ली मुल्क में, फिर गोली कांड करवाने की इसकी तैयारी है। इनका तो खून मुलग रहा है, ये तो ताकत के बलबूते पर गोलियों से करना चाहते हैं। आज गोलियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को अपनी छत्ती तान का खड़ा होना पड़ेगा। अब क्यों नहीं इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने का टाइम है। आप उनको छोड़ के मरवाओगे क्या टिकरी बॉर्डर पर, क्या मरवाओगे सिंधु बॉर्डर पर? ईद वहाँ जाते हुए तेरा जी लिखने लग रहा है। चाहे ये जो राजनीति वाले हैं ये तो खत्म हो रहे हैं, इनका तो किसी का तो कतौड़ियाँ का डंडा चढ़ा रखा है, किसी का कतौड़ियाँ का डंडा चढ़ा रखा है, इनके तो पेच घुमावा डंडे वाले और इनके मुंह बंद करते हैं। ये तो इतना किसान अभी दिखें दे सारे राम भगत सारे शेर के बच्चे बन गए हैं, और ईव जब देखा कि भाई और लड़का नहीं होगी, ईव सबका डंडे चढ़ा दिए, बोल भी निकलता इनका मार देते हैं, किसी और जगह देखो मार देते हैं लोगों को। इनका तो खून मुँह लग रहा है, ये तो ताकत के बलबूते पे गोलियों से करना चाहते हैं। आज गोलियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को अपनी छत्ती तान का खिलाना पड़ेगा, तब जाके जो है ना ये आंदोलन सफल होगा। देखिए मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, और लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं, किसान वहाँ शांतिपूर्वक बैठे है और इतना लंबा शांतिपूर्वक धरना आज तक किसी का नहीं चलिया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके पदाधिकारी, इसके संगठन के लोग और यह सरकार जानबूझ के किसानों से पंगा लेना चाहती है। और मैं तो बार बार किसानों को अभी आग्रह करता आया हूँ, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि कोई लोग बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं तो बहुत दिन पहले कहा था कि आप लोगों को चाहिए कि एक युवा किसान सेना बनाए, जो इस तरह की जाति करें उनका लोग मुकाबला करें, और वो मुकाबला ज़रूरी नहीं है कि किसी के ऊपर उसी तरह का जवाब देगा हो, लेकिन जहां आपको ताकत दिखेगी, जवान बच्चे खड़े दिखेंगे, तो इस प्रकार की वो गंदी हरकत नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने आज ऐलान किया है। कि एक तरफ तो कहता है कि उनको किसानों को डीसी एसपी समझाएंगे, दूसरी तरफ कहता है कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेज का प्रयोग करेंगे। खट्टर साहब का खून मुँह लग चुका है, रामपाल का उसने बरवाड़ा में कांड किया, फिर उसके बाद हमारे किसानों का किया 32 मारे इस जाट रक्षण में, फिर इसने सच्चा सौदा के लोगों को मारा, किसी ने कुछ इसका बिगाड़ा तो है नहीं हैं। सरकार इसकी जो कि तो चलती रही, किसी ने इस प्रकार का विरोध नहीं किया कि आपने इतना गलत काम क्यों कराया। और सरकार के अंदर जो है ऐसे ही लोग बैठे थे जो लालची स्वार्थी, जिन्होंने देश लूट कर खा रखे, भ्रष्ट लोग हैं ये हैं। मैं आज इनके सबके काले चिट्ठे खोल सकता हूँ, उनको पता होना चाहिए कि इनकी किन किन लोगों के पास कितना कितना धन है। जो कंगाल थे आज खरबों में अरबों में बैठे हैं, वो लोग इसको क्यों टोकेंगे? और इसका खुद का भी बहुत बड़ा कारोबार है, विदेशों तक शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे आदमी के खिलाफ आज आपको एक लामबंद होना पड़ेगा सारे किसान कौम को, और इस तरह हवाबाजी दिखाने से काम नहीं चलेगा। गाड़ियों में से अपने सिर निकाले, खिड़की खोली और एक पायलट बनकर दिखाई, इस तरह काम नहीं चलेगा। इन नेताओं के पीछे घूम घाम कर 10-20 हो रहे अपने हवा बनाते फिर, हवा का टाइम नहीं है, ईब टाइम आ गया कुर्बानी का। आप लगेगा पता इन लोगों का कि कुर्बानी क्या चीज़ होती है, हैं? आज कहीं प्रदर्शन करो, आज कुरुक्षेत्र में किया, कैथड़ में किया, उससे पहले पानीपत में किए, उससे पहले रिवाड़ी में करे, कुछ भी नहीं। 50-60 जिनके किसानों का दर्द है वो जा खड़े होते हैं और बाकी अपना घर बैठे हैं, और उनसे हवाबाजी करो। कंडेला में जलसा कर दिया जी, 50,000 इकट्ठे हो गए, 1,00,000 इकट्ठे हो गए, कितलाना में जलसे कर दिया, 1,00,000 इकट्ठे हो गए। अब क्यों मर गए, अब क्यों नहीं इकट्ठे होंगे? इकट्ठे होने का टाइम है, आप उनको छोड़ कर मरवाओगे क्या टिकरी बॉर्डर पर, क्या मरवाओगे सिंधु बॉर्डर पर? ईद वहाँ जाते हुए तेरा जी लिखने लग रहा है, अरे उरे अपने नंबर बना के मारे, आज फलानी जगह टोल पे है जी, आज गुमथला गड्डू में है जी, आज आपका प्याऊ माजरा में है जी, हैं? जगह जगह इस प्रकार के जलसे, जलसे करने को राजनीति करनी है ये, या राजनीति करने के लिए तुम मैदान में आए हो? कैथल में कल कर दिया दुष्यंत ने प्रोग्राम करना रिवाड़ी, और वहाँ कैथल में शो करेंगे रहे, ऐसे लोग आंदोलन को लेकर उतरेंगे। और आज अगर ये आंदोलन इस प्रकार सरकार ने ज़बरदस्ती उठा दिया तो कुआ में मरियो छाल, फिर तो जलिया वाला बाग कितरिया कुएं भर दियो, और तरह कोई चारा नहीं है। हम तो ये कहते हैं लोगों, नंबर ना बनाओ, हवाबाजी ना दिखाओ,
एक सीरियस हो गया जो है नहीं किसान आंदोलन लड़ो सीरियस हो गया है, तरीका ही हो आपने उन्हें कह दिया मैं ये कर दूंगा और वो करेगा तो उसका आपने कैसे रोकना है वो आपने अपनी पॉलिसी बनानी है। मैं खाप नेताओं को भी कहता हूँ हरियाणा के खाप नेताओं को, अब समय आ चुका है ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ यूनियन वाले ये देख लिया मैंने इनका जलसे करते फिरते और इनका कोई काम नहीं है, आज गाजीपुर बॉर्डर खाली है, आज बिहार में है, आज फलानी जगह दिखड़ी जगह, उन लोगों को जगाओ तो जलसे करके उनको कुछ तो आदेश जारी करो, आदेश तुम जारी नहीं करते, जलसे करके अपने भाषण देकर झाड़ के अपनी आइडेंटिटी खातिर आप चले आते हो। अब समय आ चुका है अगर किसान बलपूर्वक वहाँ से उठा दिया गया तो जिंदगी में तुम कोई आंदोलन नहीं कर सकोगे, फिर तो ये मान के चलो मुल्क के अंदर गुलामी आएगी और तानाशाही आएगी। इन्हें तो जहाँ भी हालात ऐसे पैदा करने करते रहते हैं, आज चाहे बंगाल में देख लो गोलियां चला के मार देते हैं, चाहे किसी और जगह देखो मार देते हैं लोगों को, इनका तो खून मुलग रहा है, ये तो ताकत के बलबूते पर गोलियों से करना चाहते हैं, आज गोलियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को अपनी छाती तान का खिलाना पड़ेगा तब जाके जो है ना ये आंदोलन सफल होगा, कोई तरीका ही हो। कह दिया कि मैं तो बलपूर्वक उठा दूंगा और ये फुकरे गाड़ियों में खिड़की खोल ली दिखा दिया जैसे हम पायलट है, हैं आज जो जो करने की बारी है बार बार चिल्ला रहा हूँ मैं भाई, हम किसी साला अपनी ऐसी की तैसी करा हुआ है कोई किसी नेतृत्व का भूखा हो जाए, हम तो ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन सफल हो और इन लोगों को चाहिए। मैं खाप के जो नेता बार बार मीटिंगें बुलाते हैं दो दो बारी कितलाना बुला ली खा पड़ना है, आज वक्त है मीटिंग बुला के लोगों को आह्वान करो, लोगों को तैयार करो और लोगों को कहो उनको मत मरवाओ, जो आठ आठ दस दस पंद्रह पंद्रह बेचारे गाँव गला वहाँ बैठे हैं, पाँच पाँच सात सात दस दस जो बैठे हैं, अरे उन्हें क्यों मरवाओ, वो तारा खतर वहाँ की माछाना पर खड़वा लग रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हवाबाजी बना लग रहे हो। तो भाई मेरा तो ये कहना है या तो अपना इसको उसी टाइम छोड़ देना चाहिए था अगर आप में दम नहीं था, और दम है तो मनुष्य के भी जो चाहे जलिया वाला बाग की तरह कुएं पर दियो, लेकिन जलाल जलील सरकार का मुकाबला करना पड़ेगा आपको, ये तरीका थोड़ा है कि इसने बार बार ये तीन तीन बार इसने गोली कांड करवा ली मुल्क में, फिर गोली कांड करवाने की इसकी तैयारी है। हम गोलियों से नहीं डरते, लगे गोली दे देंगे जान मगर अपने आंदोलन को कामयाब करेंगे, हम तैयार हैं, हमारी जहां ड्यूटी लगाएं खप्पे जहां वहीं हम जाने के लिए तैयार हैं, पहली गोली कहोगे पहली गोली खा लेंगे, हैं आगे छाती डाल देंगे हम उस महाराजी महारानी किशोरी का भाई की तरह छाती डालेंगे जहाँ डानी हो, लेकिन हमने इस प्रकार के हथकंडे अच्छे नहीं लगते जो ये लोग कर रहे हैं, जगह जगह आ जाते हैं ललकारा दे गया दुष्यंत आ गया, ललकारा दे गया प्रदेशाध्यक्ष आ गया, ललकारा दे गया खट्टर आ गया, एक रोहतक में मुकाबला करा बूढ़े कुटवा दिए, क्यों फिर हैं ये जीन पर पेंट वाले हैं, ये अपने अपने ना मरवा के निहाल हो जाएंगे, ये तो मर जाएंगे बूढ़े ठहरे तो, ये तो तैयार हैं अपनी कुर्बानी देना है, लेकिन ये जो पेंट वाले फिर हैं ये जीना पर ये मुँह का मोबाइल लाए करना गए ये फिर कुआ में डूब के मर जियो जिन पर नहीं ब्योते इनका। सोनीपत का भी वहाँ वो कहते हैं उस वाले अकबला जी हमारे लिए रास्ता खुलवाओ हमारा माल नहीं जाता, इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि तारा जब तारा बाबू लोग डाउन लग रहा था जद नहीं तमें गए तम कर तबार भी गुण निकले ईब तम ने किसाना का आंदोलन दिख गया तो रास्ते बंद दिख गए, जब नहीं तुम लॉकडाउन में घर से बाहर भी निकलो थे, आज भी तारा पाछे पट्टे हैं मुँह पर पटका बगैर नहीं निकल सकते हैं, अरे तुम किसानों के आंदोलन कहते हो कि हमारा रास्ता खुलवाओ, कौन खुलवाओगा रास्ता, या तो बंदे बन जाओ नहीं तो हालात ना खराब करो मुल्क के, कहाँ ये पंचर बीजेपी वाले देते हैं बयान इस प्रकार के, जो गंदे लोग हैं वो बयान देने लग रहे हैं, किसी को क्या हट है, माल बना लो अपना धर लो ना बनाओ माल अभी जरूरी है, किसानों का माल नहीं दिखता तुमने जो सड़न लग रहा है, किसानों का माल आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, जो दस दस किलो बद्दी तोलने लग रहे हैं और फिर कहते हैं देखेंगे आपका वापिस कर देंगे, अरे वापिस क्यों करो, मारो सड़क को हालात में ठहका क्यों नहीं मारते उनको ठहका हालात में, फिर कहते हम कर देंगे 400-400 क्विंटल कणक यूपी की आई है लोगों ने ट्रक रखे हैं, कहाँ से आएगी यूपी की, वहाँ सस्ती खरीद कर लेते हैं लोगों से और यहाँ ले कर बेचते हैं MSP पे, ये थोड़ा मोटा हरियाणा पंजाब में MSP पड़ा हुआ है तो वहाँ दूसरी जगह जहाँ लोग नहीं MSP के भूखे या MSP नहीं मिलती उनको वहाँ से कणक खरीद लेते हैं व्यापारी और ले गया हमारी मंडियों में बेचते हैं और मिली भगत से बेचते हैं, मार्केट कमेटी की मिली भगत है, उनकी मिली भगत है, जो परचेज कमेटी है FCI की मिली भगत है, क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके हवालात में दिन दे, और उधर से कहते हैं कि हमारा तो माल नहीं जा रहा जी दिल्ली में कुंडली दिल्ली बॉर्डर खोलो, क्यों तारे जब तारे फुप्पे मर गए थे जब तुमने लॉकडाउन में कुछ नहीं कराया, हैं
जब बाहर भी निकले ईब तरह तरह फांसी लग रही थी में। अरे ये किसानों के बगैर तो तुम सारे, मैं तो कहता हूँ किसानों को, एक किसानों आप एक साल दो साल खेती ना करो किसी प्रकार की, खान जोगे दाने बोलो, इनके सड़क कारखाने बंद हो जाएंगे केमिकल के, इनके पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, इनके मील बंद हो जाएंगे, मैदा मील बंद हो जाएंगे, इनके बच्चन के मील बंद हो जाएंगे, इनका माल बिकेगा कहाँ से, परचेजर जो है कहाँ से मिलेगा इनको, जब हम सारी चीज़ बंद कर देंगे वहाँ भूखे मरेंगे, कारखाने का ताले लगेंगे। लेकिन ये करें तो ये तो फुकरा पंथी में है, जलसे करा दिए टिकरी पे, फलानी खाप ना करा दिया, वह कहाँ मर रही है खाप पे ही पे, जब तो टिकरी बाट रहा जलसे करा, आज वो नहीं जानते वहाँ, आज ही हर लो ना वहाँ उसका गुड़गावा का एरिया, हेर लो ना मथुरा का एरिया, नाम ले लिया अपना बन गया, हम तो किसान है परवाह नहीं करते। आज ई पेरा पटाखा इस खट्टे जो अग्रिया हरकत करता है, गलत हरकत करता है तो अब पता लगेगा इनका क्या करते हैं। आप उसकी जातियों का मुकाबला करो, इसने पहले तीन बारी जाति कर ली, और जातियों का मुकाबला करो, ये कहते हैं कोरोना का बहाना लेते हैं। अरे भाई कोरोना में मरेंगे जी, हम मरेंगे उड़ा, हम किसान मरेंगे, हम वैसे मरण करे हैं, 350-400 हमारे वैसे मर लिए, भाई हम और मर जाएंगे, नहीं मरेंगे भूख से मरेंगे, हमारी जमीन नहीं चली जाएगी वैसे मरेंगे। आज उसको दूसरों को क्या डर है, वो हमारे पास आए मत, हमारे किसानों के पास दूसरों का काम क्या आने का, धरना तो हम बैठे हैं, दूसरे हमारे पास आते क्यों हैं, वो ना है हमारे पास, तो उनको कोरोना क्यों होगा जो हमारे पास लगे, हमारा कोरोना होगा तो हमारे पास ना हो, हम कोरोना से मरेंगे तो सरकार ने हमारी क्या क्या चिंता है, जब हमारे 350-400 पहले मर लिए, उनके ऊपर एक शब्द भी सरकार ने नहीं कहा, एक शब्द भी सरकार नहीं बोली कि भाई ये जो है नहीं मृत्युओं के ऊपर कोई खेद व्यक्त किया हो, आज उनको हमारी क्या चिंता है, मरेंगे हम, मरने मरने दो, हम मरेंगे वो तो नहीं मरते, सरकार मरे सरकार हमारे पास लगे, जो उनके तो मरे सरकार के, फिर तो भगवान का न्याय होगा, है मर जाएंगे उनके भी, टेम आगे उनके भी मरेंगे। चाहे ये जो राजनीति वाले हैं ये तो ख़त्म हो रहे हैं, इनका तो किसी का तो कतौड़ियाँ का डंडा चढ़ा रखे है, किसी का कतौड़ियाँ का डंडा चढ़ा रखे है, इनके तो पेच घुमावा डंडे और इनके मुँह बंद करते हैं, ये तो इतना किसान अभी दिखें दे सारे राम भगत सारे शेर के बच्चे बन गए हैं, और ईब जब देखा कि भाई और नाल कहानी होगी, ईब सबका डंडे चढ़ा दिए, बोल भी निकलता इनका, इनका बोल सही नहीं, इनके तो बोल चूड़ी चढ़ा दी, इनका बोल कड़ा है, कोई राजनीति वाला मैं दम नहीं, सब लोग गल बकवास करते फिर हैं।